लखनऊ में ब्रेकफास्ट में आज हम इंदौरी पोहा खाने आए हैं भैया। नमस्कार। नमस्कार भैया। कैसे भैया? बढ़िया भैया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। हम सोच रहे थे बिरयानी या कबाब पराठे ये सब उड़ाए जाएंगे और यहाँ पे तो पोहा लगा के खड़े हैं। आप कब से लगा रहे हैं भैया? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल, क्या बात है यार। और देखो भाई साहब, पूरा लखनऊ को जितना भी क्राउड है वो सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे इंदौरी पोहा खा रहे हैं। यहाँ ये देखिए राई वाला पोहा है। अब इतनी सारी प्लेट जो है वो लग रही है। भैया आपका नाम क्या है? सोनू नाम है। सोनू भैया, तो इसमें क्या क्या मसाले डालते हैं भैया? सर लखनऊ मसाला है। भाई साहब बहुत ही कमाल की भाई बाबा जी, सवेरे सवेरे लखनऊ इंदौरी ब्रेकफास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। एंड ये देखिए साथ में इधर खिचड़ी भी है। और ये खिचड़ी दलिया है? अरे सर क्या बात है, वाह वाह वाह। ये देखिए, हाँ जी, ये तो रात को जब हैवी खाना खाया हो तो सर अगले दिन सुबह ये मिल जाए तो रामबाण है ना। बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या डालते हैं सर आप? इनका मसाला है हमारे नीरज तिवारी जी का, वो बनाते हैं। अच्छा, अब मसाला क्या छोटे मुझे नहीं मालूम। अच्छा, 10:15 टोटल खत्म हो जाए। 10:15 खत्म? जी हाँ। अरे क्या बात है सर, कैसे बनाते हैं एक बार दिखाइए। देखिए इसमें गेहूँ होता है, मूंग की दाल है। ये देखिए इसमें गेहूँ है और मूंग की दाल है। 10:15 जो काम है पूरा कम्प्लीट हो जाता है। और एक प्लेट लगा के दिखाइए सर कैसे लगाते हैं इसकी। इसके साथ नींबू प्याज और ये सब चीजें रखे हैं। और ये देखिए लोग टेक अवे भी करा के लेके जा रहे हैं। और इधर भाई साहब पोहा है, एक बार दिखाइए भैया प्लेट कैसे लगाते हैं। ये देखो पोहे की प्लेट लग रही है। सबसे पहले तो पोहा सीधा निकाल के और अंदर और ऊपर से ये मसाला। और ये मसाला लग रहा है मुझे खड़े मसालों वाला। के साथ ये आ गया जी इधर से ये नींबू। वाह भाई आज तो ब्रेकफास्ट हेल्दी होने वाला है। अनार दाना भी आ गया साथ में और ये ऊपर से हरिया धनिया। भैया कितने की प्लेट है ये? 40-60 की है। 40 और 60 की जी सर। और यहाँ पे क्या लोकेशन है भैया आपकी? हजरतगंज। अच्छा हजरतगंज में, बढ़िया। और जब तक पोहा आता है आपको दिखाते हैं कि अंकल जी यहाँ पे दलिया की प्लेट कैसे बना रहे हैं। सर एक हमारे लिए भी बनाइए प्लीज। भाई बहुत प्यारी वाइब है। लोकल जितने भी लोग हैं लखनऊ के वो जब कबाब पराठे खा के थक जाते हैं ना भाजी, जब कबाब वही ना, मतलब जब रात को आप थक। अच्छा शाम कबाब पराठे से और सुबह जो है दलिये से। रोज के हैं? अरे वाह जी जी। अच्छा तो अरे वाह क्या बात है। तो ये अंकल जी ने काफी डेटा शेयर कर दिया हमारे साथ। और ये देखिए दलिया आ गया है जी, ये एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी है। सर आप खुद बनाते हैं? अच्छा आपके मालिक बनाते हैं, वाह। सर सबका मालिक तो एक होता है? दुकान का मालिक। अच्छा दुकान का मालिक है जी जी जी। तो ये देखिए इधर ये भाई साहब, ओह क्या बात है, एकदम बढ़िया हेल्दी नाश्ता आज तो। और ऊपर से ये मसाला जी, अरे वाह क्या बात है सर। सर इसमें आप तेल डालते हैं या बिना तेल के रहता है? जी हल्का सा चिकनाहट के लिए डालते हैं। अच्छा और ये देखिए इधर ये नींबू हो गया, ये आ गया जी साथ में नींबू, ये छोड़ा जाता है। अरे वाह क्या बात है, खाना इसका जरूरी है जी जी जी। और ये क्या लोकेशन रखी है सर यहाँ पे, क्या एड्रेस क्या है आपका? नोएल किशोर रोड जी, नोएल किशोर रोड हजरतगंज जी। और रेट भी बता दीजिए। 30 रुपए का जी। और साथ में प्याज डाल के, वाह। और ये देखिए भाई साहब ये बढ़िया, इसको खिचड़ी भी कह सकते हैं, दलिया भी कह सकते हैं। ये बन के तैयार है और अभी आपको बताते हैं। चावल नहीं होता जी, चावल होगा जी जी जी। भाजी एक सेकंड के लिए पकड़ो, मैं पोहा भी लेके आया और माइक भी। बेस्ट पार्ट ये है कि पोहा के अलावा यहाँ पे आपको ढोकला, भैया खमन है या ढोकला है? ढोकला है। और इसके साथ इधर देखिए खाकरा फाफड़ा ये सब कुछ रखा है। और भैया मूंगफली, मूंगफली किसके लिए? पोहे के लिए। ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा की शुरुआत। भाजी पहले तो खिचड़ी खा के दसो कितना दी है। खिचड़ी नहीं वैसे ये दलिया है। मेरा संडे स्टेपल ब्रेकफास्ट वैसे सस्ते होने चाहिए था, बट आई एम ट्राइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जी। बीइंग अ हेल्दी गर्मा गर्म है, बाची लेमनी वो भाजी मिक्स करो, नींबू उतने उतने रह गया मतलब लगा। दलिया कम भाई, लेमन राइस ज्यादा लग रहा है। अरे वाह, मतलब इसीलिए फ्लेवर के लिए लोग इतने सारे आते हैं। देखिए अभी भी लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि भाई हमारी प्लेट कब लगाओगे। इसका भी स्वाद वटांदरा आपके साथ कर ही देते हैं। ये है जी पोहा और ये आ गई जी एक बाइट ऑफ द पोहा।
इंदौरी तो नहीं है, पोहा है, बहुत स्वाद है, कमाल है। आप यहाँ पे आके इस भीड़ का पार्ट बनो, सुबह आके नाश्ता करो हेल्दी वाला, आप बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है। और यहीं से भाई साहब पोहा और दलिया खत्म करते हुए जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक सरदार जी है। सरदार जी देखिए यहाँ पे लस्सी, सरदार जी लस्सी है, मट्ठा है। सत श्री अकाल सरदार जी, कैसे हैं सर? सर बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे एक बार बताइए कि कितनी पुरानी दुकान है और एक ग्लास हमारे लिए लगाइए सर, कितने का है? 20 रुपए गिलास है सर। अच्छा जी, ये अपनी डेयरी का दूध है। अच्छा जी, ये देखिए अपनी इनकी खुद की डेयरी का दूध है और भाई 20 रुपए का गिलास है। ये काला नमक, ये सेंधा नमक है सर? ये सीधा काला नमक मिला हुआ है, ये जीरा मसाला है। अरे वाह, तो सुबह सुबह लोगों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं आप? वाह, 6:30 से 10:30 तक लगा, 6:30 से 10:30 तक। वाह, ये देखिए भाई साहब एकदम कमाल का मट्ठा। तो आपको अगर हेल्दी नाश्ता करना है लखनऊ में तो आपको आना है इस तरफ हजरतगंज की। सर ये कौन सा एरिया है? ये वाजपेयी पूड़ी भंडार के सामने, वाजपेयी पूड़ी। ओ भाई, वी मीट आर ओल्ड फ्रेंड्स अगेन, सी वाजपेयी पूड़ी भंडार के एकदम सामने सरदार जी। और पाजी कितना लग गया? मतलब एक दिन नाश्ता होया जी वाजपेयी जी का, एक दिन होया हा पोहे ते आहा। मतलब लखनऊ इज अ वाइब, लखनऊ इज अ मिक्स वाइब, लखनऊ यू हैव खस्ता कचौरी, द अनदर डे वी आर हैविंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, करेक्ट, हर रोज कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड फूड, एग्जैक्टली, हर रोज एक नया दिन है। और पाजी चीयर्स, ओके ओके, रिपोर्ट है, क्या बात है, क्या बात है। सरदार जी का मट्ठा जो है हम भी ट्राई करते हैं, इसमें सूखा धनिया ऊपर ये देखो डाल रखा है, मसालेदार, झनझनाहट वाला, एकदम कमाल का मट्ठा है, खटास भी है, कमाल की वाइब है यहाँ पे। और आप यहाँ पे आके ट्राई जरूर करना, बोलोगे अरे भाई तू कमाल है यार, पर आपको अभी आगे लेके चलते हैं। ऐसा लखनऊ में मॉल एवेन्यू में हमने एक ऐसी दुकान ढूंढी है जहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं है, बट यहाँ पे फेस वैल्यू से दुकान चलती है। और इतनी कमाल की बातचीत है कि भीड़ लगती है, आपको दिखाते हैं कि क्या खिलाते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। ये कौन सा एरिया, किस नाम से दुकान है सर? कोई नाम है, कोई नाम नहीं, बाई फेस द्वारा है। अच्छा, कोई नाम है, आपके फेस से दुकान है? जी जी। आपका नाम क्या है सर? जितेंद्र प्रसाद गौड़। हाँ जी, जितेंद्र प्रसाद गौड़। जितेंद्र प्रसाद गौड़ जी। और यहाँ पे मैंने सुना है बहुत ही जबरदस्त किस्म का आप बाटी चोखा दे रहे हैं, बताइए जरा कैसे बनाते हैं और क्या क्या है यहाँ पे? आप उपलो में बनाते हैं, किस कोयले में बनाते हैं? उपलो में बनता है, दो पनीर की पनीर रहता भैया। भैया हेलो भैया, पनीर है ना, पनीर एकदम कमाल की भाई। यहाँ पे देखिए ये है जी पाठिया, और इसमें भैया सत्तू है जी, जी सत्तू है जी, भरा है जी, बेसन की है, सत्तू भरा है। अरे वाह, ये पनीर का है जी। अच्छा, पनीर की बाटी है जी जी। अरे वाह, तीन वैरायटी की बाटी मेरे पास है। वाह जी वाह, क्या बात है सर। एक बार चोखा दिखा दीजिए इसका, बर्तन हटा के ये देखो भाई, एकदम जबरदस्त चोखा। इसको थोड़ा मिक्स करके दिखाइए भैया। पैसा बोलिए भैया। वाह 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 भैया, क्या मसाले रहते हैं इसमें और कैसे बनाते हैं? कोई मसाला नहीं, सिंपल चीज है बस, क्वांटिटी मात्रा में है बस, और कुछ जी जी जी, क्वांटिटी आवश्यकता नहीं इसमें कोई मसाला। और ये क्या डाल रहे हैं भैया? शुगर, गन्ने का सिरका है, चटनी है। अच्छा बोलो भैया, तीन भैया, ये सिरका है भाई साहब। यहाँ पे देखो लोग जो है हर तरफ से घेर के खड़े, क्योंकि बारिश हुई है ना, तो लोग एंजॉय करना चाहते हैं। भैया किस चीज का सिरका है? गन्ने का सिरका भैया, गन्ने का सिरका है। तो भैया प्लेट कैसे लगाते हैं, लगा के दिखाइए जरा प्लेट। और पनीर वाली इधर है, 200 वाली बाटी है, ये आटा वाली है, ये बेसन की है, और ये देसी घी है, देसी घी है। वाह क्या बात है। और भाई साहब इनके फेस से दुकान जो है उसकी पहचान है, कमाल की वाइब है। सर एक प्लेट लगा के दिखाइए, ये देखिए भाई साहब ये लग रही है प्लेट, एक बड़ी सी प्लेट में सबसे पहले तो ये चोखा आ गया। और इसमें प्याज है, बैंगन है, क्या क्या है भैया? आलू बैंगन टमाटर है, आलू बैंगन टमाटर सब कुछ है, लहसुन मिर्चा धनिया, लहसुन मिर्चा और धनिया भी है, लहसुन है। और ये क्या डाला है भैया? लहसुन। अरे वाह, सिरका भीगा हुआ, क्या बात है। धनिया ड्रेसिंग है जी, मिर्चा जी, लेमन। वाह वाह वाह, ये देखिए भाई साहब इतनी कमाल की ये वाइब है। सिरका देखिए आप, ये जैसे बैल्समिक विनेगर होता है ना, वो वाइब दे रहा है। ये देखिए कुछ प्लेट्स और लग रही हैं, तो आपको वो भी दिखाते हैं। दो आटा की पैक करो, ये
वाह, ये सिरका जो है ना भाई साहब, इसकी बातचीत ही अलग है। और प्याज और नींबू डाल के ये आ गई बाटियां देसी घी में। और ये क्या बात है यार, प्लेट तैयार। और भैया ये क्या लोकेशन है आपकी, क्या पता क्या है? ये एनएक्सी भवन और योजना भवन के बीच में है जी। और योजना भवन के बीच में। और आपके यहाँ की टाइमिंग क्या है भैया? 9 से 7 बजे तक। और ये कितने की प्लेट है भैया? ये 60 रुपए प्लेट है। और पनीर वाली? दो पनीर 70 रुपए की है, 2 बेसन 70 का, 2 आटा 50 रुपए का। वाह क्या बात है यार भाई, बहुत कमाल है। और हर तरफ से लोगों ने इनको घेरा है ना। और नाश्ता या लंच करने आए हैं, बढ़िया वाला। कितना टाइम हो गया आपको लगाते हुए? हो गया 29 साल। यहीं पे हैं जी? वाह 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 भाई, 29 साल से ये दुकान है। और भैया ने अभी तक नाम ही नहीं रखा है बाय फेस। भैया की जो फेस वैल्यू है उसी से दुकान जो है वो चलती है। और लोग जो है वो दीवाने हैं भाई, क्या बात है। ये देखिए प्लेट्स बैक टू बैक। भैया उधर से जो आपने लहसुन निकाला था वो एक बार दिखाएंगे किधर है? ये देखिए, और वाह भैया क्या बात है। ये लहसुन भी आपने उसी सिरके में भिगोया हुआ है? वाह। और इधर देखिए भैया बाटी को फुल एक्शन से घुमाते हैं और फिर इसको डालते हैं ये प्लेट्स के अंदर। क्या बात है, 60 रुपए से प्लेट चालू है, 70 की पनीर और बेसन वाली। 50 से 50 वाली कौन सी है भैया? दो आटा। अच्छा, पानी की बोतल और मट्ठा भी मिलता है? देसी मट्ठा हमारे यहाँ, देसी मट्ठा। वाह वाह, वो भी दिखा दीजिए एक बार। एक मट्ठा पिलाओ। मट्ठा इधर देखिए, पीछे अंदर जो सेटअप है वहाँ पे मट्ठा भी है। और ये देखिए बाटियां और आ गई हैं। दो मट्ठा लाओ भैया। ये तो कोयला है ना? नहीं, कंडे की आ रही। अच्छा, कंडे का ही है अभी? अरे वाह 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 भाई साहब, एकदम जबरदस्त बातचीत है। आप जब भी कभी लखनऊ आओ, या अगर लखनऊ से तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके ये ट्राई करो। देखिए भैया, देखिए इधर उपला लग रहा है, उपला देख लीजिए, दिखाइए एक गिलास वाला। बाबू जी लीजिए। ये देखिए भाई साहब, ये देसी मट्ठा है, ये मसाले वाला है। और इधर देखिए ये उपला, ये देखिए। बोलिए बाबू, आटा वाला पनीर वाला। बढ़िया बातचीत है भैया, एकदम कमाल है। अभी हम ये इसको ट्राई करते हैं। मुझे ना इससे वो वाइब आ रही है जैसे बैल्समिक विनेगर होता है ना, ये उस तरीके से है। देखिए देसी घी है और साथ में ये लहसुन भी है। और ऐसी चीज मुझे नहीं लगता कहीं पे भी मिलती होगी, एकदम ही यूनिक बातचीत है इसकी। और ये ओ हो भाई साहब क्या बात है यार, एकदम कमाल है। तो ये उठाते हैं यहाँ से, ये थोड़ा सा हमने ये चोखा लगाया, ठीक है। इसके साथ ये लहसुन जो है ना ये ज़रूरी है। और ये देखो भाई, मिर्चा है और इसके साथ नींबू है। और ये लगा के लहसुन, और हियर इज अ बाइट ऑफ द स्पेशल पार्टी चोखा। फियर गुड। वो जो सिरका है ना भाई, इतना कमाल है। वो जो सिरके में लहसुन और वो सब चीज़ें डाली हुई हैं, बहुत कमाल बातचीत है यार। और एकदम देसी मसाले हैं इसमें, कोई भी डिब्बे वाले मसाले नहीं है। बहुत कमाल की बातचीत है। और कभी भी लखनऊ आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार। मज़ा आ गया भैया, धन्यवाद। ये देखिए भाई साहब, इसमें क्या क्या जाता है भैया, बताइए क्या क्या डालते हैं? धनिया, लहसुन, मिर्ची, अदरक और कुछ नहीं है। अरे वाह। और जो ये आपने बना के रखा है, इसमें रंग जो है मसाले का है या भुनने का? कोई रंग नहीं, ये भुजने का रंग है। हाँ, भुनने का रंग है। अरे वाह, थोड़ा जल्द रुको रुको रुको। और अभी देखिए ये जो है ना भाई साहब, जो सिरका है, कमाल की चीज है। उड़ाई भैया, क्या जबरदस्त यार, मजे आ गए। हाँ बोलिए, राहुल भैया थोड़ा इधर आ जाइए। भैया कुछ और दिखाने वाले या हो गया? अब क्या दिखे, बस हो गया। चलिए भैया धन्यवाद। हाँ।